आरक्षण की आग से बुरी तरह से झुलस रहा है गुजरात। पटेल समाज के अहमदाबाद में कल हुए आंदोलन के बाद देर शाम अचानक हिंसा भड़क उठी। हालांकि पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल और सीएम की अपील के बाद हालात कुछ काबू में जरूर आए, लेकिन तनाव वहां पर बरकरार है। अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के इस दौरान निर्देश दिए गए हैं। सूरत और मेहसाणा में बिगड़े हालात को देखते हुए पुलिस को शूट एट साइट के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, हिम्मतनगर समेत राज्य के कई और इलाके भी ऐसे हैं जो हिंसा की चपेट में हैं। सीएम आनंदीबेन ने जीएमसीडी ग्राउंड मामले की पूरी ये रिपोर्ट जो है वो तलब की है। हार्दिक पटेल पर लाठीचार्ज के आरोपों की जाँच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। इन सब के बीच हार्दिक पटेल ने आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। हार्दिक पटेल ने हिंसा में पटेल समाज के लोगों के शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार किया और उनका कहना है कि अराजक तत्वों की ने यह हरकत की है जो आंदोलन को कमजोर बनाना चाहते हैं। 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब राज्य के कई इलाकों में इस तरह से कड़ा कर्फ्यू लगाना पड़ा है। देर शाम कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें भी आईं और इसके बाद सूरत, मेहसाणा, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, ये तमाम राज्य के वो हिस्से हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। पटेल समाज के अहमदाबाद में कल जो आंदोलन हुआ उसके बाद देर शाम अचानक हिंसा भड़क उठी। कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल के ऊपर लाठीचार्ज हुआ जिसके विरोध में ये घटना सामने आई, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, अपुष्ट खबर है। हालांकि इसके लिए एक जांच कमेटी जरूर बना दी गई है इन आरोपों की जांच करने के लिए। इस बीच मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है।